अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सर मोहम्मद अदील जावेद। एज यू नो डैट द बुक ऑफ नाइन क्लास हैज चेंज एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर नेम इज द लास्ट सीरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट। आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर विद उर्दू मीनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The last sermon of the Holy Prophet. Allahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sermon means khutbah. Nabi Akram sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ki zindagi ka aakhri khutbah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia. Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam 571 AD ko Saudi Arab ke shahar Makkah mein paida huye. AD means after the death of Christ, Hazrat Isa alayhi salam ki wafat ke baad ka zamana. In a respected Quraysh family, कुरैश के एक बहुत ही इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। द कुरैश यूज़ टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। कुरैश जो थे वो बुतों की पूजा करने के आदि थे और एक अल्लाह ताला को नहीं मानते थे। वर्शिप मीन्स पूजा करना, इबादत करना, एंड आइडल्स मीन्स बुत। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asked the Quraysh not to worship their false god. Nabi sallallahu alaihi wa sallam ne Quraysh ko kaha ke apne jhoote khudaon ki ya galat khudaon ki pooja nahi karein, ibadat nahi karein. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam. उन्होंने लोगों को कहा कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, रसूल हैं, और उन लोगों को कहा, कुरैश वालों को कहा कि वो इस्लाम को कबूल कर लें। एंड टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड, और सिर्फ एक और सच्चे खुदा की, अल्लाह ताला की इबादत करें। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। उनमें से ज़्यादातर ने, यानी कुरैश में से ज़्यादातर ने, इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया। दे थॉट डैट, उन्होंने सोचा कि ही वॉज अगेंस्ट दियर गॉड्स एंड दियर इंसेस्टर्स। उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदाओं की और उनके आबा अजदाद की मुखालफत कर रहे हैं। दे अपोज दिस न्यू फेथ सो मच डैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर्स टू माइग्रेट टू यथरिब। उनकी इस नए अकीदे, फेथ मीन्स अकीदा, अपोज मीन्स मुखालफत, उनकी इस नए अकीदे की मुखालफत इतनी ज़्यादा हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिलीवर्स को कहना पड़ा, अपने मानने वालों को कहना पड़ा कि वो यत्रिब, या मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था तो उसको यत्रिब कहा जा रहा है, कि वो यत्रिब या यसरब को हिजरत कर जाएं। आ सिटी 320 किलोमीटर 20 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का। ये शहर जो है मक्का के शुमाल, मक्के के शुमाल से 320 किलोमीटर के फासले पर है, या 200 मील के फासले पर वाक़ है। बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं नबी सल्लम का मैसेज या उनका पैगाम कबूल करने लग गए और इस्लाम में कन्वर्ट होने लग गए, इस्लाम में दाखिल होने लग गए। द कुरैश बिकेम मोर एग्रेसिव एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ। कुरैश जो थे वो और ज़्यादा तशद्दुद पसंद हो गए। एग्रेसिव का मतलब होता है जारहाना रवैया रखना, तशद्दुद वाला रवैया अपना लेना। कुरैश जो थे बहुत जारहाना हो गए और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिशें करने लगे। अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिशें करना। हैंस इसलिए लिहाजा व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यथरिब, जब नबी सल्लम को यसरब की जानिब से मजबूत सिग्नल मिल गया या मजबूत इशारा मिला, ही ऑल्सो डिसाइडेड टू एमीग्रेट देयर।
उन्होंने वहाँ पे हिजरत करने का फ़ैसला किया। एमिग्रेट मीन्स हिजरत करना। आफ्टर 8 डेज जर्नी, तकरीबन 8 दिन का सफ़र तय करने के बाद, ही रीच द आउटस्किर्ट्स ऑफ यथरिब। आउटस्किर्ट्स का मतलब होता है मज़ाफात, यानी शहर से थोड़े दूर का इलाका। वो यसरब शहर के मज़ाफात पहुँचे ऑन 28 जून 622, 28 जून 622 को। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन वो बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं हुए। ही स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा, वो एक जगह पे वो ठहरे, उन्होंने क्याम फरमाया, उस जगह का नाम था कुबा। अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, ये जो मरकजी शहर मदीना था उससे कुछ मील के फासले पे मुकामे कुबा था। एंड बिल्ड अ मॉस्क देयर, और वहाँ पे उन्होंने मस्जिद तामीर फरमाई जिसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। ऑन 2 जुलाई 622 को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी, नबी सल्लम यत्रिब शहर में दाखिल हुए। दिस इवेंट इज़ नोन एज हिजरा, ये वाकिया हिजरा के नाम से जाना जाता है। एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और इसी वाकिये के दिन से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। यत्रिब वॉज सून रीनेम मदीना तो नबी, यत्रिब का नाम जल्द ही मदीना तो नबी पड़ गया। इसके लिटरली मीनिंग्स हैं, लफ्जी मायने हैं, सिटी ऑफ द प्रॉफिट, नबी सल्लम का शहर। बट उन नबी वॉज सून ड्रॉप, लेकिन जो है जल्द ही उन नबी जो है ये हटा दिया गया। एंड इट्स नेम बिकेम मदीना, इस और फिर इस शहर का नाम मदीना पड़ गया, जिसके मायने हैं मीनिंग द सिटी, शहर। At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में आमद हुई, the city had 4 broad groups of people. मदीना में लोगों के 4 बड़े गिरोह रहते थे। There were the Muslims, एक तो मुसलमान थे, including those who were from Medina. और इन मुसलमानों में एक तो वो मुसलमान थे जो मदीना से हिजरत करके आए थे, एंड दोज हु हैड एमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और एक वो थे मतलब वो मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके आए थे, और एक मदीने के मुकामी मुसलमान थे। देन फिर देयर वर द हाइपोक्राइट्स, हाइपोक्राइट्स का मतलब होता है मुनाफिक, और फिर एक मुनाफिकों का भी गिरोह था, डेट इज़ दोज हु एम्ब्रेस इस्लाम इन नेम ओनली। मुनाफिक का मतलब ये है कि उन्होंने सिवाय मतलब सिर्फ जो है दिखावे के लिए इस्लाम को कबूल किया था, बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, लेकिन जो है असल में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, यानी दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया था। एडिशनली मज़ीद ये इसके साथ साथ देयर वर द पीपल फ्राम एव्स एंड खजरज, एव्स और खजरज के लोग भी थे, हु वर स्टिल पैगन्स, पैगन्स मीन्स काफिर, ओस और खजरज के लोग जो अभी तक काफिर थे, बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम कबूल करना चाहते थे। फाइनली और आखिर में देयर वर द ज्यूस, ज्यूस मीन्स यहूदी, और आखिर में फिर यहूदियों का गिरोह था, हु वर ह्यूज इन नंबर, जो कि बहुत तादाद में ज़्यादा थे, ह्यूज मीन्स ज़्यादा तादाद में थे, एंड परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी देयर, और वो वहाँ पे एक अहम जो है कम्युनिटी मीन्स होता है यानी गिरोह, वो वहाँ का मतलब एक अहम गिरोह समझे जाते थे यहूदी जो थे। In order to ensure that all these people live peacefully with each other, ये चीज़ यकीनी बनाने के लिए कि तमाम लोग जो हैं पूरा मन तरीके के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ ऑल द कम्युनिटीज टू डिस्कस दिस मैटर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जितने भी बिरादरियाँ थीं या जितने भी वहाँ पे कबीले थे, उनकी जो है रहनुमाई करने वाले जो सरदार थे, लीडिंग पर्सनैलिटीज मीन्स यानी जो है किसी मतलब इलाके को रिप्रेजेंट करने वाले या सरदार को कहा जाता है, कि नबी सल्लम ने वहाँ के तमाम कम्युनिटीज़ के जो रहनुमाई करने वाले सरदार जो थे उनको इनवाइट किया, उनको बुलाया टू डिस्कस दिस मैटर, के इस मामले पे बहस की जाए। ही वांटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स टू रीच आ
फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हारमनी अमंग द कम्युनिटीज, और वो चाहते थे यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मदीना में रहने वाले तमाम जो उनके दरमियान जो है ज़हनी हम आहंगी का एक माहिदा हो जाए वहाँ की मुख्तलिफ जो है बिरादरियों के दरमियान, एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना, और मदीना शहर की हिफाजत का भी माहिदा हो जाए। ही सक्सीडेड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, वो कामयाब हो गए मदीना का आइन लिखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन आइन को कहा जाता है जिसके मुताबिक किसी मुल्क या शहर को चलाया जाता है। ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ मदीना, इसको जो है चार्टर ऑफ मदीना भी कहा जाता है। थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप्ड अमंग ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन मदीना, इस माहिदे के मुताबिक मदीना में जितनी भी कम्युनिटीज या जितने भी गिरोह आबाद थे उनके दरमियान जो है एक माहिदा तय पा गया। इट मैंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम एंड द ज्यूज ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना के अंदर जो है मदीना के अंदर जो मुसलमान थे और जो यहूदी थे उनके जो हकूक थे और जो उनके फ़राइज़ थे। राइट्स का मतलब होता है यानी जो हकूक, और ड्यूटीज़ का मतलब होता है फ़राइज़। इस माहदे में मदीना में रहने वाले मुसलमान और यहूदियों के हकूक और उनके फ़राइज़ जो है वो वाज़े किए गए। इट मेंशन द रिलीजन एंड प्रोहिबिट्स एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज, अच्छा, और जो है लोगों को आज़ादी दी गई, अपने मज़हब की आज़ादी दी गई इस जो है चार्टर ऑफ मदीना में, और जो है प्रोहिबिटेड मींस यानी रोका गया, ममनून करार दिया गया कि कोई भी मदीना के बाहर जो दुश्मन हैं उनसे अलायंस नहीं करें, इलहाक नहीं करें या गठजोड़ नहीं करें। इट आल्सो डिक्लेयर्ड डेड एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चार्टर ऑफ मदीना में ये भी जो है ऐलान किया गया कि कोई भी डिस्प्यूट या झगड़ा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाएगा फॉर सेटलमेंट, हल करने के लिए, सेटलमेंट हल करने को कहा जाता है। इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम, और बाद के सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मुख्तलिफ जो कबीले वाले लोग थे उनको इस्लाम के अंदर मुत्तहिद कर दिया। कैरीड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, और इन लोगों को जो है समाजी और मजहबी असलाहत दी गई। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट डेट फर्दर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यानी इंतज़ामी लिहाज से भी मदीना में जो है डेवलपमेंट्स की गई यानी इम्प्रूवमेंट या बेहतरी लाई गई ताकि जो है मदीना के अंदर जो एक इस्लामिक कम्युनिटी या एक इस्लामी बिरादरी जो जिसकी बुनियाद डाली गई थी वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाए। कंसोलिडेटेड मीन्स मुस्तहकम यानी मज़ीद मजबूत हो जाए या मुस्तहकम हो जाए। हिजरत के 10 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटूक मीन्स आगाज़ किया, फेयरवेल मीन्स होता है अलविदाई, पिलग्रिमेज मीन्स हज। नबी सल्लम ने अपने अलविदाई हज जो मक्का मुकरमा में वो अदा करने जा रहे थे उसका आगाज़ किया उन्होंने हिजरत के 10 साल बाद। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर द मुस्लिम्स, उनका ये अलविदाई हज जो है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक तारीखी मौके की या एक तारीखी वाकये की हैसियत रखता है। एज वेल एज एन ओकेशन व्हेन ही थॉट मुस्लिम हाउ टू परफॉर्म द हज, मज़ीद ये कि इस मौके पर, ओकेशन मीन्स मौका, इस मौके पे नबी सल्लम ने मुसलमानों को सिखलाया कि हज कैसे अदा किया जाता है। मोर ओवर मज़ीद ये कि इट वॉज ड्यूरिंग दिस हज, इस हज के दरमियान डेड ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सेरमन इन द उराना वैली ऑफ माउंट अराफात, नबी सल्लम जब अपना आखिरी जो है खुतबा हज जो है अदा यानी डिलीवर कर रहे थे या फिर बोल रहे थे अपना आखिरी खुतबा हज जो कि माउंट अराफात की उराना वैली में वो ये अपना जो है आखिरी हज जो है अपना आखिरी खुतबा हज जो है वो डिलीवर कर रहे थे, बोल रहे थे ऑन द 9th
ऑफ ज़िलहज, नौ ज़िलहज को। टेंथ आफ्टर हिजरा, ए एच मीन्स आफ्टर हिजरा, 6 मार्च 632। ये जो है आपको डेट मेंशन की गई है कि इस तारीख को 6 मार्च 632 को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये जो है हिज्जतुल विदा, अपना आखिरी खुतबा जो है वो उन्होंने मतलब लोगों के सामने बोला। देयर वर काउंटलेस मुस्लिम प्रेजेंट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज लास्ट पिलग्रिमेज व्हेन ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन। मुसलमानों की एक अनगिनत, काउंटलेस मीन्स ला तादाद अनगिनत, मुसलमानों की एक अनगिनत नुमाइंदगी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वो अपना आखिरी हज अदा कर रहे थे और अपना आखिरी खुतबा हज जो है वो जो है खिताब कर रहे थे। डिलीवरिंग हिज लास्ट सर्मन, अपना जो है आखिरी खुतबा अदा करते हुए या ख़िताब करते हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रेस्ड एंड थैंक्ड अल्लाह एंड देन सेड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की, प्रेस मीन्स तारीफ़ करना और थैंक माने शुक्रिया अदा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया। एंड देन और फिर सेड, उन्होंने कहा ओ पीपल, ए लोगों, लैंड मी एन अटेंटिव एयर, मुझे बहुत तवज्जो से सुनो, फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शैल एवर बी अमंग्स यू अगेन, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आज के बाद मैं नेक्स्ट ईयर या अगले साल जो है इस जगह पे इस मुकाम पे तुमसे मिल सकूं। देयर फोर, लिहाजा Listen to what I am saying to you very carefully and take this word to those who could not be present here today. तो लिहाजा मुझे बहुत तवज्जो से सुनो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अल्फाजों को उन लोगों तक पहुँचा दो जो कि आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। Amongst other things he gave the following message. फिर उन्होंने दूसरी चीज़ों के साथ साथ मंदरजा ज़ैल पैगाम दिए। ओ पीपल, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। ए लोगों, किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी और उसकी जायदाद को इज्जत दो किसी मुकद्दस भरोसे के तरह से। रिटर्न द गुड्स इंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ऑनर्स, और वो चीज़ें जो तुम्हारे पास किसी के पास अमानत के तौर पर रखवाई गई हैं लोगों की अमानतें उन तक लौटा दो। हर्ट नो वन, किसी को हर्ट नहीं करो, किसी को तकलीफ़ मत दो, सो डैट नो वन में हर्ट यू, ताकि कोई दूसरा भी तुम्हें तकलीफ़ ना दे। बी अवेयर ऑफ शैतान, शैतान से ख़बरदार रहो, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए। ही हैज़ लॉस्ट All hope that he will ever be able to lead you astray in big things. वो शैतान जो है अपनी तमाम उम्मीदें खो चुका है कि वो तुम्हें बड़ी चीज़ों पे गुमराह करेगा। Small thing, तो जो है ख़बरदार रहो शैतान को छोटी छोटी चीज़ों में शैतान की पैरवी करने में, यानी शैतान जो छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें जो बहकाएगा उससे बचो। ओ पीपल, इट इज़ ट्रू डैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर विमेन। ए लोगों, ये सच है कि तुम्हारी औरतों के ऊपर कुछ हकूक हैं, बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू, लेकिन तुम्हारी औरतों के भी तुम्हारे ऊपर कुछ हकूक हैं। ऑल मैनकाइंड इज फ्राम एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट, तमाम इंसान जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। द नोबलेस्ट ऑफ यू इन अल्लाह साइड इज़ द मोस्ट गॉड फियरिंग, अल्लाह ताला की नज़र में तुम में सबसे आला तरीन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है। गॉड फियरिंग मीन्स अल्लाह से डरने वाला। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर या किसी गैर अरब के ऊपर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। नॉर डज अ नॉन अरब हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, और इसी तरह से किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं है, कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक,
किसी गोरे शख्स को किसी काले के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, नॉर डज अ ब्लैक हैव एनी सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, और ना किसी काले शख्स को किसी गोरे के ऊपर कोई बर्तरी हासिल है, एक्सेप्ट बाय पिटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा के, पिटी मीन तकवा और अच्छे अमल, यानी जो जो जितना ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार होगा, अच्छे काम करेगा, सिर्फ वही अल्लाह ताला की नज़र में ज़्यादा बढ़तर होगा। आई देयर फोर, मैं इसलिए, क्रश अंडर माई फीट, क्रश मीन कुचल देता, कुचलना, मैं अपने पैरों तले कुचलता हूँ ऑल द फॉल्स क्लेम्स, उन तमाम झूठे दावों को, टू ग्रेटनेस, अजमत के झूठे दावे, एंड सुपीरियरिटी, और जो है बर्तरी के झूठे दावे, या दौलत की बुनियाद पे थे, यानी किसी को अपनी अगर खून के ऊपर मतलब फ़ख्र है या अपनी दौलत पे घमंड है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम दावों को अपने पैरों तले रौंद डाला, कुचल डाला। एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड डेट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान जो हैं वो जो है एक भाईचारे की बुनियाद डालते हैं। Nothing shall be legitimate to a Muslim which belong to a fellow Muslim. किसी भी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि जो है वो जो है किसी ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरे मुसलमान से ताल्लुक़ रखती हो उस पर अपना हक जतलाए, अनलेस इट वॉज गिविन फ्रीली एंड विलिंगली, जब तक कि वो चीज़ जो है आज़ादाना तौर पर और अपनी मर्ज़ी के साथ कोई मुसलमान अपने भाई को वो चीज़ नहीं दे देता, यानी जो है किसी की चीज़ पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना जायज़ नहीं है। सेइंग बी माई विटनेस ओ गॉड डेट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, नबी सल्लम ने अपना खुतबा मुकम्मल करने के बाद कहा, ऐ अल्लाह मेरे गवाह रहिए डेट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल, कि मैंने आपका पैगाम जो है आपके लोगों तक पहुँचा दिया है। The message conveyed in this sermon are for all time. इस खुतबे में जो पैगाम दिया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो हर ज़माने के लोगों के लिए है। इफ़ द मुस्लिम्स फॉलो दिस मैसेज, अगर मुसलमान नबी सल्लम के आखिरी खुतबे में जो पैगाम दिया गया है उस पर अमल करेंगे, द रिज़ल्ट विल बी इन फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी, तो इसका नतीजा होगा एक जो है इंसाफ पे मबनी और मुसलमानों के दरमियान, इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी एंड जस्टिस, जिसमें ईमानदारी होगी, इंसाफ होगा, यानी ऐसा माशरा कायम होगा जिसमें ईमानदारी होगी, इंसाफ होगा, एंड मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल, मेरिटोक्रेसी मींस काबिलियत, और इसमें जो काबिलियत जो होगी वो जो है रहनुमा असूल होंगे, यानी जो काबिल लोग होंगे और जो काबिलियत वाली बातें करेंगे जो जिसको लोग समझ सकें, तो ऐसे ही मतलब जो है माशरे की बुनियाद पड़ेगी जिसमें काबिलियत जो होगी वो लोगों के लिए रहनुमा असूल होंगे। Dear student, I hope that you understood the chapter which I was explaining you, and inshallah in my next lecture I will explain you some important exercise regarding this chapter, and by that time see you, Allah Hafiz.